हे वेलकम है गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल टेकवॉक पे। CMF के बर्ड्स प्रो मेरे पास आ चुके हैं और ये दोबारा आ चुके हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक कंप्लेन रेज की थी फ्लिपकार्ट पे और बहुत बड़ा इशू हो गया था। मेरे को ऑरेंज की जगह ब्लैक मिले थे, मैंने एक वीडियो में बताया भी था जब मैंने रिसीव किए थे। तो उसके बाद मैंने कंप्लेन रेज की क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी थी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। अब होता क्या कि सपोज आप अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी लेते हो डिलीवरी एजेंट से तो वहीं पर ही आप मना कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछेंगे कि आपने गेट पे क्यों नहीं मना कर दिया। तो सिंपल सी बात है, गेट पे मैंने इसलिए नहीं मना किया क्योंकि मैंने बॉक्स को खुलवाया नहीं था। मतलब ऊपर का जो चॉकलेट कलर का बॉक्स होता है, फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग होती है, वो मैंने खुलवाया ही नहीं था डिलीवरी एजेंट से। मैंने बोला कि मेरे भरोसे पे आप दे जाइए और कोई इशू होगा तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो उसने मेरे को दे के चला गया। अब हुआ कि जब मैंने घर पे खोला इसको तो ब्लैक कलर के निकले, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब दूसरा कलर शेड पहुँच रहा है मेरे पास। अब मैंने फिर कंप्लेन रेज की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। फिर फोटो मैंने शेयर की, फिर एक्सेप्ट नहीं की। फिर तीसरी बार फोटो शेयर की, तब एक्सेप्ट हुई। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको फोटो शेयर करनी है अगर आपके पास दूसरा कलर पहुँच जाता है या कोई डिफरेंट आइटम पहुंचता है। बट ये है कि अगर आप ओपन बॉक्स डिलीवरी ले रहे हो तो 99% चांसेस है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि आप गेट से मना कर दोगे इसको। अब इन केस अगर आप घर पे नहीं हो, आपकी मॉम ने या आपके फादर ने रिसीव कर लिया और उन्होंने चेक नहीं किया और उन्होंने ले लिया, दूसरा कलर ही क्यों ना उन्होंने ले लिया, उन्हें तो नहीं पता ना, तो उन्होंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही घर पे आए आपको सबसे पहले इसके ऊपर की पैकिंग आपको बचा के रखनी है, वो फेंकनी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि वो जब प्रूफ मांगते हैं आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके साथ आपको इमेज भी भेजनी पड़ती है, उसकी मेन जो प्रोडक्ट है उसके साथ साथ इसका जो बॉक्स है उसकी फोटो भेजनी पड़ती है साइड में रख के ऐसे करके। ये सब चीज़ आपको भेजनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, तो तभी आपका वो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो ध्यान रखिएगा आप सब। और साथ ही में चलिए, नो इशूज़ गाइस, मेरे को मिल तो गया कम से कम जो मेरा फेवरेट कलर था ऑरेंज कलर का। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने अभी सील इसकी खोली नहीं है। वैसे इस बार जो रिप्लेसमेंट आया था मेरे पास उसमें ओटीपी कुछ था नहीं और रिप्लेसमेंट मिला सिर्फ मेरे को दैट सेट। वहाँ पे ओपन बॉक्स डिलीवरी भी नहीं था तो मैं थोड़ा सा डर रहा था। मैंने बोला कि ये सामने खोल लेता हूँ, मैंने उसके सामने खोल लिया फिर। तो चलिए यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके की ट्रेजेडी हो जाती है कई बार, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आसानी से आप इसको ओपन कर सकते हो, चाहे आप सीजर से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है CMF बर्ड्स प्रो की। ओके, दो सील मिलती है इधर की साइड और इधर की साइड। ये ओपन यहाँ से कट चुकी है और यहाँ से भी कट चुकी है। तो ये इसकी वो कंपनी सील है, ये अगर कट जाती तो समझ लो कि बॉक्स ओपन है। तो यहाँ पे इस तरीके से बर्ड्स मिल जाते रखे हुए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने रिव्यू किया तो वाले बताए थे ब्लैक वाले। और यहाँ पे आपको कुछ ओके, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। मतलब मेरे को ब्लैक वाले के साथ ब्लैक वाले ये जो चार्जिंग केबल था वो मिला था देखने के लिए। अब यहाँ पे ऑरेंज वाले के साथ ही वाइट दिया, इनको ऑरेंज करना चाहिए था ये वाला। आई डोंट नो, यहाँ पे अलग से पैसा ज़्यादा लग जाता है इसीलिए क्या पता इन्होंने ये वाइट ही दिया है, क्योंकि अलग से मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है ना, पूरा का पूरा कलर इसका चेंज करना पड़ता है। तो हो सकता है यहाँ पे एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं और यहाँ पे ये यूज़र मैनुअल मिल जाती है, काफ़ी मोटी है ये। और आपको बता दूँ एक्सक्लूसिवली इंडिया पे लॉन्च हुए हैं। CMF जो इनका सब ब्रांड है वो इंडिया में ही इन्होंने लॉन्च किया है, अदर कंट्रीज़ में अभी नहीं आया ये। तो बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के लोग भी पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मतलब ये कब तक आएगा आउट ऑफ इंडिया, या मतलब अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उसमें कब तक मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए यहाँ पे तो हो गई ये सब चीज़ें, इसको रख लेते हैं। मेन जो बर्ड्स हैं उस पर आते हैं। तो गैस इस तरीके से मिलता है आपको, यहाँ पे आसानी से खोलते हैं, यहाँ पे फटे ना, तो इस तरीके से ये खुल जाता है। और इसको भी हम खोल लेते हैं यहाँ से, यस। तो दोनों तरफ से आपका ये ओपन हो जाता है और यहाँ से ये ऊपर से निकल आता है। मेरे को देखना है कि कुछ प्लास्टिक में कुछ डिफरेंस है क्या, या सेम प्लास्टिक यूज़ करी गई है। तो गैस ये ज़्यादा मतलब अपीलिंग लग रहा है कलर इसका, वैसे देख सकते हो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, ऑरेंज वाला अलग ही मतलब लुक आ रहा है इसका। और यहाँ पे ये मेटल का हिंज मिलता है आपको, क्वालिटी तो वही है नो डाउट, क्वालिटी तो काफ़ी बेस्ट है, थोड़ा सा हैवी भी है, आपको हाथ उठा के फील हो जाएगा। बर्ड्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे साइड बाय साइड, बहुत ही कमाल का लुक है इनका। और ग्लॉसी फिनिशिंग में दिए गए, ये मैट फिनिश है पीछे की साइड का, आपको यहाँ पे CMF का लोगो मिल जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये मिल जाता है मेटल का मैश, प्रॉपर मेटल का मैश है देख सकते हो। और यहाँ पे जाली जाली सा दिया गया है जिसकी वजह से कह सकते हो डस्ट पार्टिकल्स अंदर यहाँ पे नहीं इकट्ठे होंगे, तो ये अच्छा है। और इस तरीके से यहाँ पे आप जैसे लगाते हो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे पीछे की साइड आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे मेटल की हिंज है और यहाँ पे CMF का लोगो है, पीछे की साइड एकदम क्लीन है एकदम, तो इस तरीके से मिलता है। तो चलिए इसको हम पेयर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी कैसी मिलती है, सेम उसी की तरह मिलती है या कुछ डिफरेंस है इसमें, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा काम करना है, ब्लूटूथ ऑन कर देना और इसको आपको बॉक्स को ओपन कर देना है। वैसे तो बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पे आ जानी चाहिए क्योंकि
गूगल फास्ट पेयर की तरह उससे आते हैं ये, तो आ जाना चाहिए। अब मेरे MI के फ़ोन में तो आ गए थे, आई डोंट नो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नहीं होता है तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे नथिंग एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, नथिंग एक्स करके, और यहाँ पे कनेक्टिंग आ रहा है। फॉरगेट करते हैं इसको, यहाँ पे न्यू डिवाइस को पेयर करते हैं। आ चुके हैं ये ऑरेंज वाले, और इस पर टैप करते हैं और यहाँ पे सेटअप दिस डिवाइस पे कर लेते हैं। दैट्स इट, सीमलेस कनेक्शन रहता है, कनेक्शन काफ़ी बेटर रहता है इसका। और इस तरीके से सेम उसी तरीके से आपका ट्रांसपेरेंसी मोड ऑफ ऑन, नॉइस कैंसिलेशन, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे कंट्रोल्स पे जाते हो तो यहाँ पे आपको ये सब कंट्रोल मिल जाते हैं देखने के लिए, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करते हैं ये। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो ये कनेक्टेड है, ऐप सेटिंग में जाते हो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है वर्जन। यहाँ पे आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो। फिलहाल ये तो नए वाले मिले हैं मेरे को, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा, अभी अपडेट नहीं है। तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे कलर थीम लाइट ही कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर विजिबल रहे। और चलिए अब ये तो हो गए पेयर आसानी से। यहाँ पे इन ईयर डिटेक्शन भी ऑन है, और यहाँ पे आपका लो लैग मोड भी यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ साउंड। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा ही ऑप्शन मिल जाता है। दोनों करोगे तो दोनों ही आपके प्ले होने लगेंगे, दोनों करोगे दोनों, है ना, तो काफ़ी अच्छा है। अब एक काम करते हैं, ये तो हो गई सारी की सारी चीज़ें, अब इसकी साउंड क्वालिटी सुनते हैं। सो गाइस अब साउंड क्वालिटी सुनोगे आप, तो इस तरीके साउंड क्वालिटी मिलती है, और साउंड क्वालिटी लाजवाब है उसमें नो डाउट। मैंने नथिंग वाले जो CMF बर्ड्स हैं वो ब्लैक वाले तो सुने ही थे, कॉल क्वालिटी भी काफ़ी बेटर मिलती है इनकी। और इस तरीके से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे अगर आपको ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस बेटर चाहिए तो डेफिनेटली आप इनके लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम एग्जिस्टिंग जो बर्ड्स हैं मार्केट में अवेलेबल है अंडर 3,000 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में, जैसे कि T300 आपके मिल जाते हैं रियलमी के, उनसे क्या ये बेटर परफॉर्म करते हैं? क्योंकि T300 में भी आपको जो नॉइस कैंसिलेशन ANC का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो क्या उनसे बेटर ही है? डेफिनेटली उनसे बेटर आपको यहाँ पे, क्योंकि 6 माइक्स का सपोर्ट मिलता है, एक बर्ड में 3 माइक मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो एक बर्ड में 3 माइक का सपोर्ट है, तो 2 बर्ड में तीन तीन छः छः हो गए यहाँ पे, 1, 2 और 3, 4। और ये यहाँ पे सेंसर भी जाता है इन ईयर डिटेक्शन का, जैसे आप कान से निकालते हो ऑटोमेटिकली सॉन्ग पॉज हो जाता है, वैसे पहनते हो वापस से प्ले हो जाता है। तो गैस यहाँ पे एक बर्ड में 3 माइक मिलते हैं डेफिनेटली, जिसकी वजह से यहाँ पे साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाती है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अच्छा काम करता है यहाँ पे। मैं कहूँगा कि मतलब नॉइसी इन्वायरमेंट को एकदम, मतलब एकदम क्वाइट बना देता है ये, मैं कहना चाहता हूँ। बट उतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं मिलेगा आपको जैसे कि 10-10 हज़ार वाले बर्ड्स में मिलता है, बट इस प्राइस ब्रैकेट में ये काफ़ी कमाल के निकल के आते हैं। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 39 आवर्स का पे टाइम मिलता है, मतलब 40 आवर्स का करीब करीब पूरा का पूरा है वैसे। और इसमें अगर ANC ऑन करके, मैंने क्योंकि पहले वाले यूज़ किए हैं, अब एक हफ्ते बाद जब रिप्लेसमेंट हुआ है इसका, तो एक हफ्ते तो मैंने यूज़ किए ब्लैक वाले, काफ़ी सीमलेस कनेक्शन था, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, और साथ ही में जो प्राइसिंग जिस हिसाब से ये लाए गए हैं काफ़ी अच्छा है, वोकल्स क्लियर रहते हैं, म्यूजिक सेपरेशन अच्छा है, इंस्ट्रूमेंटल भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सुनाई देते हैं। फुल साउंड में हल्का सा डिस्टॉर्ट करते हैं, बट वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बजट ब्रैकेट में मैक्सिमम बर्ड्स डिस्टॉर्ट करते हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं, काफ़ी यहाँ पे कह सकते हो बैलेंस साउंड सुनने को मिलता है आपको। बेस भी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो थ्रू द एप्लीकेशन, कंट्रोल भी यहाँ पे गेस्चर यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है, टच कंट्रोल उसको भी आप चेंज कर सकते हो। एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है, फाइंड माई बर्ड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फर्मवेयर अपडेट कर देते हैं, मतलब कंपनी कर देती है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा सपोर्ट बेटर हो जाता है इन बर्ड्स का। तो डेफिनेटली आप इनके लिए जा सकते हैं, 3,000 रुपये के प्राइस बैक में डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी बन जाते हैं। बट अभी सेल पे बहुत सारे लोगों ने इसको कम प्राइस में भी बाई किया, तो मैंने भी इसको कम प्राइस में ही बाई किया था सेल पे, ऑब्वियसली बात है, मैंने कार्ड वार्ड का यूज़ करके इसको 2,899 रुपये के प्राइस बैकेट में, मतलब 2,900 रुपये के पड़े थे मेरे को, तो 2,900 में तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी डील बन जाती है। और अब ऑरेंज वाले मिल चुके तो सोने पर सुहागा हो चुका है वापस से, यहाँ पे यही वाले मेरे को कलर चाहिए थे और काफ़ी बेटर लग रहे हैं, काफ़ी अलग सा फील आ रहा है। अगर आप लोगों के सामने इसको ओपन करोगे तो लोग मतलब डेफिनेटली यहाँ पे इसको नोटिस करने वाले हैं कि थोड़ा सा अलग ही फंकी लुक आ रहा है इनका।
और व्हाइट वाले अगर लेते हो तो वो एप्पल के लुक के एप्पल के एयरपॉड्स प्रो की तरह देखने में लगते हैं, बट अगेन ऑरेंज वाला थोड़ा सा अच्छा लुक है और CMF को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा रिव्यू, सेकंड रिव्यू अनबॉक्सिंग CMF बर्ड्स प्रो की। अगर आपका क्वेरी इन बर्ड्स से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।